मामले में आप लोग वाकई सीधे फांसी कांग्रेस की बात क्यों अभिषेक करते होता है, थे? मैं उन्नाव तो वाले आपको मामले सीधी में बात आप कह लोगों रहा ने इसी हूं। विधिक कार्रवाई का दंभ क्यों नहीं भरा कपीश जी? मैं तो भाई सवाल पूछ रहा हूं आपके आप जवाबों तो के खुद बाद। ही अपने, आप तो खुद ही अपने प्रश्नों में फंस जा रहे हैं। जिन चीजों का मैं आप फंस जा प्रश्न रहा कर रहे हैं महाराज, हाँ हूं वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संबंधित है, एक भी आदमी का एफआईआर सर, दर्ज नहीं हुआ था। आपसे सवाल अच्छा पूछने के बाद एफआईआर मैं दर्ज बीजेपी है से भी सवाल और आप पूछूंगा। देख रहे हैं कि गैर विधिक बुलडोजर कार्रवाई भी चल रही है, ये नहीं आपके सामने है ना। नहीं नहीं कपीश हमें जी, बताइए भारतीय मैं न्याय संहिता कपीश जी में सारी सरकारों बातें ठीक, के साथ कपीश जी बुलडोजर सारी चल रहा बातें है, ठीक, बीजेपी पर ये आप आरोप बता लगा दीजिए। दीजिए, मैं अरे मानता हूं आपके आरोप लगाना ठीक है। 12 साल की एक बच्ची के साथ जो हुआ, भाई इतनी स्वामी संवेदनशीलता रखनी चाहिए कि चिन्मयानंद उस 12 साल की बच्ची के ने, अरे दर्द को भाई समझा जा चौदह सके। चौदह मैं कह रहा हूं साल कि की आपकी बेटी चुप्पी का क्यों दर्द अखिलेश भी यादव इनसे जो बहुत पूछिएगा फर्राटेदार तरीके ब्रिजभूषण से सिंह सोशल के मीडिया ऊपर। पर बोलना शुरू कर देते हैं, संसद में बोलते हैं, बाहर बोलते हैं, वो अब तक चुप क्यों है? डिंपल यादव खामोश क्यों है? आपके बड़े नेता धर्मेंद्र यादव खामोश क्यों है? जस्ट चलिए बिकॉज कि अनुराग मामला भाई किसी एक बात ए से, यानी बताइए, कि अल्पसंख्यक से जुड़ा है, अनुराग जस्ट भाई बिकॉज कि मामला कब से समाजवादी आप ही पार्टी से जुड़ा बोल रहे हुआ है। हो? प्लीज, अरे यार आप ही बोल रहे हो, आप ही बोल रहे हो, आप ही बोल सर रहे हो, क्योंकि कौन आपसे लोगों जवाब से नहीं बोल मिल रहा रहा ना। है? आप मेरे साथ इतनी आपका डिबेट में चैनल बैठे है, हैं कपीश जी, बढ़ाते रहो। मैं नहीं आपको हमेशा सुन तो बोलने का लीजिए, मौका देता या हूं तो कपीश जी, आप जवाब पूरा, कहां नहीं मिल रहा है सुन तो आपको? लीजिए, कहाँ दे रहे हैं आप मौका? मैं कह रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर बलात्कार का आरोप रहा, या 14 साल की बच्ची का आपको याद होगा कि आरोप रहा है बृजभूषण सिंह के ऊपर यौन शोषण का, और मुतवातिर सालों का लोग रहा तो है, कहते हैं कि सर और बृजभूषण उस पर शरण सिंह पर एक भी एफ आई अखिलेश आर यादव दर्ज सीधे नहीं। नहीं बोलते। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, हम सारे लोगों ने आवाज उठाई, और तब जाकर के मामला सेंगर के मामले में 6 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं होती रही। योगी जी के बंगले से वो निकलते रहे, नहीं दर्ज हुई। उस लड़की के पीड़ित लड़की के जो पिता थे, वो पुलिस अभिरक्षा में उसकी हत्या करवा दी योगी सरकार ने, उस पर भी आप कहेंगे कि विपक्ष ना बोले? ये कहां खड़े थे उस नहीं समय, नहीं नहीं पूरी नहीं बिटिया को कपीश मरवा जी, करके? कपीश आप जी, मुझे बताइए, कपीश जी, पार्टी आप सब महाराज पर जाके बोलिए कहते ना, हैं आप कि सब सेंगर पर की वजह बोलिए। से मैं हम तो कह जीत रहा हूं गए। कि आप अयोध्या पर भी स्वामी बोलिए और 12 साल की बच्ची पर चिन्मयानंद, बोलिए। मैं कह रहा हूं 12 साल की बच्ची पर एक स्वामी शब्द तो बोलिए, मैंने चिन्मयानंद, इतना समय आपको दिया कपीश जी। मैं तो कह रहा हूं उसके लिए तो न्यायालय बोल रही है, हाँ, न्यायालय अपने पर बोलेगी, मामला है न्यायालय तो न्यायालय पर भरोसा है, नहीं तो बोलेगी, नहीं बाकी बाकी मामला सारे दर्ज मामलों है, पर या तो सरकार मुझे दोषी तो है, योगी सरकार के लोग सरकार दोषी के हैं, पुलिस पर सरकार ही कार्रवाई भरोसा नहीं है। करती। ठीक है कपीश अरे जी, मैं भाई आ रहा हूं मुझे आपके तो पास, योगी सरकार कपीश जी के मैं आ रहा हूं पुलिस पे आपके ही साथ, चर्चा भरोसा होती है, रहेगी आपसे। पुलिस पे भी भरोसा है, समीर सिंह लगाए जी, चार्जशीट, ट्रायल कराए, ठीक है, ओके फांसी कपीश जी, कराए। कपीश जी, देखिए मैं आपसे समाजवादी जो पार्टी हार्डलाइन ले रहा नहीं, था, मैं वो समीर जी के समाजवादी पास पार्टी जाता को हूं। फांसी नहीं दे सकती है, समीर सिंह जी, चुनाव समाजवादी में तो पार्टी को आप फांसी लोग दे इसी सकती है लॉ एंड क्या? ऑर्डर को सबसे बड़ा आधार मानते हुए कहते थे, देखिए साहब बम्बम है सब कुछ, बाबा ने कर दिया सब कुछ बम्बम है, देखिए साहब कितना अच्छा चल रहा है सब कुछ, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आपकी पुलिस कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ रही सर, उसने एक रेप पीड़िता की शिकायत नहीं लिखी, भगा दिया किसी रेप पीड़िता को। सोचिए जरा उस मां बाप पर क्या बीत रही होगी जिसकी बच्ची गर्भवती है, पता चले कि उसके साथ ज्यादती होती रही 2 महीने तक, और पुलिस वहां पर एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है। इसकी संवेदनशीलता क्या आप बताएंगे, क्या मैं बताऊंगा, या दूसरे पैनलिस्ट या दुनिया का कोई दूसरा व्यक्ति बताएगा? क्या यह पुलिस नहीं समझती कि यह मामला कितना संवेदनशील है? देखे अनुराग जी, इसमें दो बातें कहूंगा। एक तो मामले का संज्ञान आया, पुलिस ने कार्रवाई की, और जिन पुलिस अफसरों ने लापरवाही बरती उनको सस्पेंड किया गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। विषय यह है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव मौन क्यों हैं? उनके प्रवक्ता इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक निषाद बिरादरी की बच्ची 12 साल की, जिसके साल मुईद खान उनका नगर का अध्यक्ष है, भदरसा नगर का अध्यक्ष है, उनके पार्टी का नेता है, सांसद का करीबी है, अवधेश प्रसाद का फाइनेंसर है, उनके पैसे, अवधेश प्रसाद के पैसे के व्यापारिक रिश्ते हैं दोनों के बीच, और ऐसी परिस्थिति में अवधेश प्रसाद भी चुप है, अखिलेश यादव भी चुप है, और निषाद की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, इन्होंने अब तक उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? मुईद खान को पार्टी से निकाला, मुईद खान के खिलाफ इन्होंने कोई ट्वीट किया, मुईद खान इनकी पार्टी का नेता है। यह सेलेक्टिव प्रोसेस नहीं चलेगा कि जब कोई मुसलमान और यादव किसी बलात्कार में शामिल होता है, किसी अपराध में शामिल होता लो है, भाई तो अब ये तेजी उसको नहीं लगती बचाने है। लगते हैं। ये समीर जी मुसलमान क्या के लिए अलबाय इनके समीकरण का पास दबाव है भारत कि तड़का अखिलेश जाते यादव या हैं। समाजवादी अरे पार्टी कुछ नहीं कह अपराध रही है? नहीं, देखिए सरकार तो कार्रवाई कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुला के पीड़िता से मिला, बात किया, कार्रवाई का आश्वासन दिया, कार्रवाई हो रही है, एफआईआर दर्ज हुआ, संबंधित जो दरोगा और चौकी इंचार्ज ने लापरवाही की थी उसको सस्पेंड किया गया। लेकिन सवाल यह है कि जो मुईद खान
बच्चों को अपने ब्रेकरी में नौकरी दे के काम कराता था, उनका शोषण करता था। अभी एक ही मामले नहीं है, खुलने दीजिए, अभी मामले की जांच होने दीजिए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनके समाजवादी पार्टी के विधायक कह रहे हैं। अभय सिंह वो हॉस्पिटल में मिलने जा रहे हैं। पूरी समाजवादी पार्टी इसमें संगठित तरीके से इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं इसकी जांच हो रही है और दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उसने जो अवैध तरीके से जमीन कब्जा किया था, उसने जो अवैध तरीके से काम किया, लेकिन आज भी प्रश्न आपके बुलडोजर एक्शन पर है। कर रही है नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं आप जो बुलडोजर एक्शन ले रहे हैं वो गलत है, अभी आप विधिक कार्रवाई का इंतजार कीजिए, दोषी होंगे तब समाजवादी पार्टी कुछ कहेगी। यही तो अनुराग जी, यही तो दुख का विषय है कि इनको रोने के मिलता है तो ये रोते हैं। आज ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं मुईद खान बलात्कारी पे, एक बार भी इन्होंने कंडम नहीं किया, एक बार भी उस बच्ची के चर्चा में किया। मैं 12 साल की बच्ची का जिक्र करता रहा, यही कपिल श्रीवास्तव ने कुछ नहीं कहा। मैं कपिल श्रीवास्तव को इतने सालों से जानता हूँ, कपिल श्रीवास्तव ने इससे पहले इस तरह से किसी मामले से बचने की कोशिश नहीं की। मैं खुलकर कहता हूं कपिल श्रीवास्तव जी, 12 साल की बच्ची का जिक्र नहीं हो रहा, गैंग रेप का जिक्र नहीं हो रहा, जिस पर आरोप लग रहा है उसका जिक्र नहीं हो रहा है कपिल श्रीवास्तव जी। अभय सिंह आपके नेता गोसाईगंज से विधायक है, वो कह रहे हैं, छोटा सा समय दे रहा हूं मैं आपको, वो खुद कह रहे हैं कि जांच हो तो एक नहीं कई मामले समझ में आ जाएंगे जिसमें ये पता चलेगा कि महिला अपराध किया इस शख्स ने जिसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं या जिस पर एक शब्द नहीं आप कह रहे हैं। जांच कौन करेगा अनुराग भाई, जांच कौन करेगा? समीर सिंह जी की पुलिस करेगी कि कपिल श्रीवास्तव की पुलिस करेगी? हमें बताओ, जांच कौन करेगा, अन्वेषण कौन करेगा, मुकदमा रजिस्टर आपका नेता है, आप कुछ नहीं करेंगे? कपिल श्रीवास्तव के घर में हुआ है क्या रजिस्टर? आपका नेता कैसी गैर विधिक बातें करते हैं आप लोग, क्या किस तरह की बातें अनुराग जी? मुझे आप बताओ, ये 14 साल की बच्ची का बलात्कार करने वाले को उसको माला पहनाएंगे, उसको सम्मानित करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे? ये पहले भी यही करते आए हैं। कुर्सी से सेंगर को नहीं उतारा जब तक दोषी तो नहीं हो गया सर, सेंगर को बनाए रखा अपने कलेजे से, चपाए रखा है। हर मामले पर सवाल उठा लीजिए, लेकिन कुछ तो बोलिए सर, कपिल श्रीवास्तव जी कुछ तो बोलिए, 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है? अरे भाई 14 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और यौन उत्पीड़न किससे को इस किससे से जोड़ना जरूरी है क्या? नहीं आप पूछो ना समीर सिंह से, पूछो कौन है, कितना अलग हो गया। इनके एक नेता अनंत सेन ने वही अयोध्या के अंदर एक पासी समाज की लड़की का बलात्कार किया था, सिलू कांड हुआ था जिसमें वो 2 साल तक जेल में थे। इनके नेताओं की आदतें हैं, ये करते रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी सच में बलात्कार। मैंने बहुत वक्त दे दिया, ठीक है ओके कपिल जी, मैंने बहुत वक्त दिया, समीर सिंह जी मैं आपके पास।